बुढ़ापा ये जीवन के सबसे बड़े सच में से एक है। ये एक ना एक दिन हर किसी पर आना है, इसीलिए अक्सर दुनिया बुढ़ापे से घबराती है। लेकिन पिछले दो दिनों से आप जवान लोगों को अपने बुढ़ापे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देख रहे होंगे, वो भी बड़े मजे से। ये एक ऐप का कमाल है जिसका नाम है फेस ऐप। आप में से बहुत लोगों ने इसे इस्तेमाल किया होगा जरूर, क्योंकि पूरी दुनिया में इसे 10 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप भी इस ऐप के यूजर हैं तो हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ऐप खतरनाक है, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है और इसे ये परमिशन आप ही ने दी है। आपको सतर्क करती इस रिपोर्ट से पहले आप 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पूरी दुनिया में वायरल हुआ फेस ऐप चैलेंज। फेस ऐप के जरिए कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। रातों रात पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई फेस ऐप। अमेरिका के सांसद ने कहा FBI रूस की इस ऐप की जांच करे। फेस ऐप से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है, आपकी फोटो का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है ये ऐप। फेस ऐप से फोटो आपकी गैलरी में नहीं बल्कि ऐप के सर्वर में सेव होते हैं। ऐप का दावा है 48 घंटे में डिलीट हो जाते हैं फोटो। फेस ऐप आपकी जानकारियां थर्ड पार्टी को भी दे सकती है। ऐप की सफाई, थर्ड पार्टी को यूजर को डेटा नहीं बेचते हैं हम। क्या आपको आजकल फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर लोग अचानक से बूढ़े दिखाई देने लगे हैं? क्या आपको ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ बूढ़े दिख रहे हैं? क्या टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार भी बूढ़े दिख रहे हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बूढ़े दिख रहे हैं? ये सब तो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपके दोस्त, रिश्तेदार और भी तमाम लोग आपको सोशल मीडिया पर अचानक से बुजुर्ग दिखाई दे रहे होंगे। ये कमाल है एक ऐप का जिसका नाम है फेस ऐप। गूगल प्ले स्टोर और iOS पर यह ऐप उपलब्ध है। यह ऐप पिछले दो दिनों में अचानक से वायरल हो गई है। यह सोशल मीडिया की नई सनसनी बन गई है। हो सकता है कि आपने भी यह ऐप इस्तेमाल की होगी और आपको भी बहुत फन यानी मजा आया होगा, लेकिन क्या आपने इसके खतरे पहचाने हैं? या फिर बुढ़ापे की फोटो मिल गई और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शांत बैठ गए और कमेंट्स पढ़ने लग गए? इसका खतरा आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस ऐप के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। फेस ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी फोटो को बदल देती है। ऐप आपको तरह तरह के हेयर स्टाइल देती है। ये ऐप आपके फोटो को जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जवान, लड़का से लड़की या लड़की से लड़का भी बना सकती है। अगर मूछें नहीं है तो फोटो में मूछें लग सकती हैं, मूछों के साथ दाढ़ी भी, और फिर ये दाढ़ी सफेद भी हो सकती है। आपके बालों का रंग बदल सकता है, आपके पीछे का बैकग्राउंड भी बदल सकता है। वरुण धवन और अर्जुन कपूर पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने फेस ऐप फिल्टर का इस्तेमाल किया और अपनी फोटो पोस्ट की। आयुष्मान खुराना ने भी खुद को बुजुर्ग दिखाकर देसी बॉन्ड लिखा। फेस ऐप की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह ऐप 121 देशों में iOS ऐप स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन में है। गूगल प्ले स्टोर से भी फेस ऐप के 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। वैसे तो ये ऐप सबसे पहले 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन वायरल अब हुई है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज्यादातर पोस्ट फेस ऐप की ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेस ऐप आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि फेस ऐप आपकी फोटो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है और उसको ये इजाजत आपने ही दी है। ऐप की शर्तों में लिखा है आप फेस ऐप को पूरी दुनिया में बिना किसी पैसे के पूरी तरह से मुफ्त लाइसेंस दे रहे हैं। वो आपकी फोटो को प्रकाशित कर सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तस्वीर को कंपनी अपने किसी कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। हो सकता है कि रूस की राजधानी मॉस्को के किसी चौराहे पर लगे बिलबोर्ड में आपकी फोटो लगी हो।
आपको ये पता भी चल जाए लेकिन उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, जब आप फेस ऐप से अपनी फोटो लेते हैं तो वो फोटो आपकी गैलरी में स्टोर नहीं होती, बल्कि फेस ऐप उस फोटो को अपने सर्वर में स्टोर करता है। हालांकि फेस ऐप की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो सारी फोटो 48 घंटे के अंदर डिलीट कर देता है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि फेस ऐप आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकती है। फेस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है, हम आपकी जानकारियां और आपके फोन की कुकीज, लॉक फाइल्स और लोकेशन डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें आपको सेवा देने में मदद मिले। हालांकि फेस ऐप की तरफ से सफाई दी गई है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी को यूजर का डेटा ना तो बेचती है और ना शेयर करती है। तो फेस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन थोड़ा संभल कर। वैसे तकनीक और आपकी प्राइवेसी से जुड़े एक और खतरे का पता चला है, और इस खतरे का नाम है स्मार्ट टीवी। ये साइबर क्राइम का बिल्कुल नया मामला है। गुजरात के सूरत में हैकर्स ने स्मार्ट टीवी को हैक कर लिया और पति पत्नी का अंतरंग वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया। यह मामला राज्यसभा में महाराष्ट्र से सांसद अमर शंकर साबले ने उठाया। मुद्दा उठाते हुए सांसद अमर शंकर साबले ने ऐसे हैकर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पति पत्नी अगर एकांत काल में अपना पल गुजारते हैं तो उसे हैक करना और नेट पर डालना ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसी मुद्दा मैंने उठाया है सदन में और उपराष्ट्रपति जी ने, सभापति जी ने उसके संदर्भ में बहुत गंभीर चिंता जताई है और सरकार से भी कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसे ध्यान दिया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी तकनीक जीवन को आसान तो बना रही है, लेकिन यही तकनीक परेशानी का सबब भी बन रही है। तो प्राइवेसी की जब बात होती है तो लोग आधार पर सवाल उठाते हैं। अपना डेटा, गोपनीयता, उसकी पूरी शर्तों के बावजूद सरकार तक को देने से इनकार करते हैं। लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कैसे आपका प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है आपको ये पता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और अगर पता चलता भी है तो हम चुप रहते हैं। मास्टर स्ट्रोक, पहले फेस ऐप का मजा, बाद में आप ही को मिलेगी सजा।